I'm literally feeling like Kerala. भयानक, जबरदस्त है. इतने मुड़े हैं, वो भी इतने deep में. ज़्यादा रे क्या ब्लॉग से ज़्यादा यार नहीं जो चूत. ज़्यादा Hello and welcome back to yet another video for channel. जैसे आपको पता ही होगा, मैं आया हूँ कुछ दिनों के गोवा टूर के लिए. साउथ गोवा में एक अपार्टमेंट बुक किया था, जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया आपको. उस अपार्टमेंट से जस्ट निकले और यहाँ से मैं कुछ ऐसी जगह घूमने वाला हूँ जो नोन होगी अननोन होगी. आज की वीडियो में हम जा रहे हैं काबोडीरामा फोर्ट. लुक एट दिस ब्यूटी. मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग कल्चर्स देखने मिलेंगे. आई एम लिटरली फीलिंग लाइक केरला. केरला में भी जो आर्किटेक्चर होता है ना घरों का, वो ऐसा ही होता है. आई थिंक आई एम राइट इन माई गेसिंग्स के जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं जहाँ पे बीचेस अवेलेबल होते हैं, सम हाउ दे हैव सिमिलर आर्किटेक्ट. उनके घरों के डिज़ाइंस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, कुछ फीचर्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं. वाओ, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल. बिलीव मी, दिस इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल. फोटो निकालना है क्या? यस. और इन खूबसूरत नज़ारों को देख के मैं खुद को रोक नहीं पाया और मेरे ड्रोन को हवा में ले आया. सब कुछ ठीक चल रहा था अंटिल दिस पॉइंट. देखते ही देखते ड्रोन हवा में कहीं गुम हो चुका था एंड बीइंग अ न्यू ड्रोन पायलट मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. एंड देन एवरीवन स्टार्टेड पैनिकिंग. और फर्स्ट में उड़ा है वो भी इतना डीप में. उधर से लाया है पानी में. लेके आ रहे हैं वापस. दादा रे का ब्लॉग थोड़ी झाला या वीडियो शूट झाला झाला या चला आया आया आ रहा आ रहा ले 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 आ रहा आ रहा आ रहा. वो टर्न मार रहा है. इन सब के बीच में जो ड्रोन ने कैप्चर किया वो कुछ ये था. विल जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. अब करते हैं व्लॉग कंटिन्यू एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये नॉन इंटेंशनल ड्रोन वाले शॉट्स कैसे लगे. ओके, तो ये पॉइंट के लिए आपको तकरीबन साउथ गोवा में आपको क्यों आना पड़ेगा. मेरे को कुछ 25 किलोमीटर आना पड़ा फ्रॉम माय स्टे. सो दिस इज काबोडीरामा फोर्ट और माइथोलॉजी के हिसाब से ये फोर्ट को नाम भगवान राम से मिला है. और ये भी माना जाता है कि भगवान राम और सीता माँ यहाँ पे कुछ समय के लिए रुके थे उनके 14 साल के वनवास के दौरान. ये जो येलो कलर का है वो एंट्रेंस है काबोडीरामा का. और ये फ्रंट वॉल और ये बुरुज जहाँ से आप अगर देखोगे तो पूरा समंदर दिखेगा. अभी थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं फिर करते हैं आपसे बात. सो दिस वाज वन अनदर पॉइंट जहाँ पे हम आप लोग आ सकते हो. आधे घंटे से रुका हो यहाँ पे, कुछ ड्रोन शॉट लिए. आई थिंक वो आपको पसंद आएंगे. वहाँ पे कुछ शिप्स हैं एंड दे गो इन टू दिस ह्यूज थिंग. ओके, बाकी ये पूरा जो पीछे है दैट इज़ रियली नाइस, राइट? ओके, अभी देखते हैं. और एक वाटरफॉल पॉइंट है वहाँ पे जाने का है, तो यहाँ से क्विकली निकलते हैं, अपना झोला उठाते हैं और चलते हैं.
सो फोर्ट में हमें थोड़ा देर हो गया, दो ही पॉइंट किए, तो और एक पॉइंट कवर करना था जो इसी एरिया में आता है। तकरीबन 6 बजे वी आर काइंड ऑफ रशिंग टूवर्ड्स दैट, एंड जो जगह हम देखने जा रहे हैं उसको बोलते हैं शिवा वाटरफॉल। अब पता नहीं वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, लेकिन अगर आपको जाना है तो फोर्ट से जब वापस आओगे 800 मीटर के अंदर ही ऐसा एक स्कूल है, वहाँ पे हमने बाइक्स पार्क किए एंड ऐसा एक रास्ता है जहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये कम्प्लीटली ट्रेकिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए भी, जैसा हमारा हो रहा है। और ये पाथ भी कुछ ऐसा बना हुआ है। और ये जगह जनरली लोगों को पता नहीं होती है, हम में से एक है जिसको ये जगह पता थी, इसलिए हम यहाँ पे आ सके और अभी आपको पता है तो आप भी आ सकते हो शिवा वाटरफॉल। तो यहाँ पे भी वाटरफॉल पे ले जाने के लिए यहाँ से जो आएंगे तो वी हैव टू कम दिस वे। वाटरफॉल तो मिलेगा ही, उसके साथ और एक खूबसूरत नज़ारा मिलेगा जो आप अभी देख रहे होंगे। आई एम जस्ट रशिंग डाउन वेरी फास्ट जस्ट टू गेट दैट सनसेट इफ इट इज़ पॉसिबल। वाह, वो लोग कहाँ से गए? तुम लोग नहीं जा रहे हैं? अभी पता चला वाटरफॉल सिर्फ बारिश में रहता है, अभी वाटरफॉल नहीं है, बट द व्यू इज रियली अमेजिंग। मैं अभी दिखा दूँ आपको, सिल्वेट खतरनाक आ रहा है, फोटो भयानक जबरदस्त है। दिस इज रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पे वाटरफॉल रेनी सीजन में देखने आओ, लेकिन अगर वो नहीं है बट स्टिल यू कैन हैव दिस व्यूज जो ड्रोनी भी आपको दिखाएगा। फोर्ट हमने वहाँ से देखा, वाटरफॉल के लिए यहाँ पे आए थे, वाटरफॉल नहीं था बट ये कुछ नज़ारा था। वी डिसाइडेड टू स्टे हियर टू विटनेस दिस अमेजिंग सनसेट। आई एम श्योर आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहाँ हम एक्सप्लोर करने वाले मोर प्लेसेस फ्रॉम साउथ गोवा।